मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरे कर लिए जाए। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक तय समय सीमा के अंतर्गत किए जाने चाहिए। जनप्रतिनिधियों द्वारा जो भी सुझाव दिए जा रहे हैं उन सुझावों को पूरी गंभीरता से लेते हुए अमल में लाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुविधा के दृष्टिगत स्मार्ट सिटी के कार्य तेजी से पूर्ण किए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनता का पैसा जनहित में सही प्लानिंग से उपयोग हो। इसके लिए सभी विभाग एवं कार्यदायी संस्था समन्वय के साथ में कार्य करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं आने वाले 50 सालों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाएं। देहरादून को आदर्श शहर बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है इसकी पूरी कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रीन सिटी क्लीन सिटी के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाएं। शहर की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस बैठक में जनप्रतिनिधियों के जो भी सुझाव आए हैं उन सभी सुझावों पर क्या उचित समाधान निकाले जा सकते हैं इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नगर निकायों को मजबूत बनाने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।